नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं क्यूरेट। तो कोरोना संक्रमण ने लोगों के स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित किया है। लॉन्ग कोविड के रूप में लोगों को कई तरह की गंभीर समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हृदय और फेफड़ों को क्षति पहुंचाने के साथ कोरोना के चलते लोगों की नींद पर भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। कई अध्ययनों में स्पष्ट हो चुका है कि कोरोना के चलते संक्रमित और गैर संक्रमित दोनों ही तरह के लोगों को नींद से संबंधित कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अनिंद्रा और नींद से संबंधित अन्य तरह की समस्याओं से परेशान लोगों को जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या खतरनाक भी हो सकती है और गंभीर नुकसान भी पहुँचा सकती है। लेकिन दोस्तों, आहार और पोषण विशेषज्ञों की माने तो हमारे भोजन का भी नींद की क्या उसकी गुणवत्ता होने वाली है, इस पर प्रभाव डालती है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका सेवन आपको अच्छी नींद लाने में मदद करेगा, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रात में सेवन करने से आपकी नींद खराब होगी तथा शरीर को भी कई तरह के नुकसान पहुँच सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिनका रात में सेवन करना शरीर के लिए नुकसानदायक माना जाता है। इनमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप रात में खा भी रहे होंगे। तो सबसे पहले अब दोस्तों, और सबसे ज़रूरी, भारी या मसालेदार भोजन। जी हाँ, आहार विशेषज्ञों के मुताबिक वसायुक्त और तेल से बना हुआ खाना भारी भोजन की श्रेणी में आता है। पेट के लिए इसका पाचन का काफ़ी कठिन हो जाता है करना। यही कारण है कि रात के समय में स्वास्थ्य विशेषज्ञ भारी या मसालेदार भोजन ना करने की सलाह देते हैं। रात में ज़्यादा मसालेदार भोजन करने से अपचित और सीने में दर्द या जलन भी हो सकती है। इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना है कि मसाले में मौजूद कई तरह के रसायन इंद्रियों को जमा देते हैं, जिससे आपकी नींद जो है वो ख़राब हो जाती है और आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है। अगली दोस्तों जो चीज़ आती है वो है कैफीन युक्त खाना या कैफीन युक्त कुछ भी पिए। आहार विशेषज्ञों की माने तो रात के समय में उन सभी चीज़ों से बचना चाहिए जिसमें कैफीन की मात्रा अधिक हो सकती है। कई खाद्य पदार्थों में कैफीन हो सकता है, जिसके बारे में आपको अक्सर पता भी नहीं होता है। इसकी जांच के लिए संबंधित खाद्य पदार्थ के पोषण लेबल को पहले चेक कर लीजिए। चाय और सोडा में कैफीन होता है। इसके अलावा कुछ आइसक्रीम और कई सारी ऐसी टॉफ़ीज़ और चॉकलेट भी आते हैं जिनमें कैफीन होता है, तो इनको आप रात में ना खाइए तो सही रहेगा। नींद की समस्या से बचे रहने के लिए रात के समय इन चीज़ों का सेवन करना बंद कीजिए। दोस्तों अगली चीज़ आती है शराब और धूम्रपान। रात में सोने से पहले शराब का सेवन ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है और साथ ही नींद की समस्या भी हो सकती है। अक्सर कई लोगों की आदत होती है कि वे रात के समय अधिक मात्रा में शराब पी लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि शराब का अधिक सेवन आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करता है, यानी आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, इसलिए इससे बच के रहना चाहिए। इसी वजह से धूम्रपान या तंबाकू युक्त चीज़ें भी नींद के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं और आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। रात में इन सभी चीज़ों का सेवन करने से बचिए। और दोस्तों आखिर में बात करेंगे केले की। जी हाँ, आप भी सुनके हैरान हुए होंगे, पर केले को प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, क्योंकि ये विटामिन और पोषण तत्वों से भरपूर होता है। इसे पेट के लिए भी फायदेमंद माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि रात में सोने से पहले केले का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे बलगम का निर्माण हो सकता है और साथ ही आपको डाइजेशन की समस्या भी हो सकती है। यही कारण है कि रात में वक्त केले का सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी खास जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।